नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आगमन को लेकर इस बार प्रशासन शुरू से ही असमंजस में रहा है, क्योंकि पहले यह कार्यक्रम 3 सितंबर को होना था। इसके बाद तारीख बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी गई थी। अंत में कार्यक्रम को ही निरस्त कर दिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि संबल योजना सम्मान वितरण, खाद्यान्न पर्ची वितरण, स्वनिधि सम्मान सहित अन्य कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन के द्वारा बीते तकरीबन एक सप्ताह से तैयारी की जा रही थी, जिसमें पूर्व जिला प्रशासन ही लगा हुआ था। SAF ग्राउंड से लेकर NCC मैदान तक दिन रात तैयारी चल रही थी। पहले 3 सितंबर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, जिसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारी कर ली गई थी। फिर ये तिथि बढ़ाकर 7 तारीख हो गई और अंत में कार्यक्रम को ही निरस्त कर दिया गया। इन सब के पीछे एक बड़ा मुद्दा यह है कि इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन के द्वारा लाखों रुपए खर्च किए गए। NCC ग्राउंड में बीते एक सप्ताह से पंडाल और मंच बनाने का कार्य चल रहा था। बीती शाम तक संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी, तभी रात को कार्यक्रम निरस्त करने की सूचना आ गई। केवल NCC ग्राउंड में पंडाल लगाने का तकरीबन 5 लाख का भुगतान किया जाना। इसी तरह से तैयारियों को लेकर SAF ग्राउंड सहित कई जगह पैसों का दुरुपयोग हुआ। इस कोरोना काल में जहां देश आर्थिक स्थिति के नाजुक दौर से गुजर रहा है, ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम पर व्यर्थ पैसों का दुरुपयोग आम आदमी के समझ से परे है। जब इस संबंध में नगर निगम आयुक्त से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी ओर जिले के मुखिया से भी इस संबंध में जानकारी चाही गई, लेकिन उनके द्वारा भी जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी तो कार्यक्रम का आयोजन क्यों नहीं किया गया? क्या ये कार्यक्रम केवल प्रदेश के मुखिया के आने के बाद ही संभव हो सकता था? महज गरीबों के सम्मान की तो बात थी और रीवा जिले के 8 विधानसभा सहित सांसद ही बीजेपी सरकार के ही हैं, लेकिन हकीकत अब कुछ और सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो 30 सितंबर को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का संभवतः शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुखिया शिरकत करने वाले हैं। लोगों का मानना है कि इस दिन ये कार्यक्रम भी आयोजित कराया जाएगा। एक बार फिर तैयारियां होंगी और जनता के लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे। आपके द्वारा यहाँ कार्यक्रम की तैयारी की जा रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सामान वापस ले जाएगा? क्योंकि 5 तारीख को 10 बजे रात को युवा मान्य मना कर दिया आने के लिए, कहते तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, इसका खोल के ले जा रहे हैं। तो आपको सूचना किसने दी? हमको कल सूचना दिया कमिश्नर साहब ने। कमिश्नर साहब नगर निगम जी। अच्छा, ये बताएं कि ये कितने में आपने ठेका ले रखा था? ये रेट पे था, वैसे तय नहीं था, रेट पे था। रेट पे था, मतलब कितनी लागत होती है इसकी? अगर आप कार्यक्रम होगा तो कितनी लागत आपकी? 2-2.5 लाख रुपये होता। 2-2.5 लाख रुपये, तो इसका भुगतान तो आपको होगा? अब क्या है मालूम, होगा कि नहीं होगा अभी तो। श्रमिक लगे, आपका सामान लगा जी, तो भुगतान तो होगा। अब ये तो बात करनी पड़ेगी। आप नहीं बताएंगे? जी सर, क्या नाम आपका? दिनेश सिंह परिहार। कहाँ कहाँ है आपके ये शॉप? शांति मंडप सामने। ये बताइए, आपने यहाँ कम से कम 1 हफ्ते तैयारी कर रहे हैं ये कार्यक्रम के लिए, तो मतलब आपको ठेका कहाँ से मिला था और कितने का मिला था? ये तो हमारे आदेश कलेक्ट्रेट से हुआ था और रेट पे है, जो नाने में रेट है, शासकीय रेट उस रेट पे है। अनुमानित कितना होगा, मतलब कितने? 2-3 लाख तक हो जाएगा। तो इसका मतलब जितना भी आपने काम किया इसका तो भुगतान आपको? 90% मेरा काम हो गया था, भुगतान होना चाहिए, क्योंकि लेबर लगी है और भाड़ा लगेगा, तो 90% मैंने काम किया हूँ, पेमेंट तो होनी चाहिए, क्योंकि मेरी गलती तो नहीं है, ये प्रशासन जाने। क्या बोला गया कि आप काम बंद? बोले क्या रेट कैसी हो गई है, तो वर्मा काम कर दीजिए, सूचना दिए नगर निगम अधिकारी दिए, कमिश्नर साहब खुद बोले। नहीं, आपको किसने सूचना दी? कमिश्नर साहब।